न्यूज़ सच जरूरी है। विदेशी मीडिया नहीं तय करेगा भारत की दिशा और दशा, बोले सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं मनीष न्यूज़ नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने रविवार यानी 2 अप्रैल को महाराष्ट्र के नागपुर से विदेशी मीडिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विदेशी मीडिया भारत की दिशा और दशा तय नहीं करेगा। वह एक मीडिया समूह के कार्यक्रम में बोल रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोई विदेशी मीडिया भारत के कोर्ट से ऊपर नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के कार्य प्रणाली में दखलदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने कहा कि कुछ विदेशी मीडिया एजेंडा और प्रोपेगेंडा के तहत भारत को बदनाम करने में शामिल है। इसी के साथ उन्होंने आह्वान किया कि देश का मीडिया विदेशी मीडिया को भारत का नैरेटिव सेट करने का मौका न दे। क्या 140 करोड़ के भारत में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया नैरेटिव तय कर सकता है? कार्यक्रम में मीडिया की भूमिका पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने कहा, कुछ मित्र कह रहे थे कि नैरेटिव तय करने का प्रयास कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मीडिया करता है। क्या 140 करोड़ के भारत में कोई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यहाँ पर नैरेटिव तय कर सकता है? अगर कोई ऐसा सोचता भी है तो शायद इस लोकतंत्र में लोगों की ताकत को समझता नहीं है। मोदी जी उतने ही मजबूत होकर निकलते हैं। उन्होंने आगे कहा, प्रयास किया बहुत सारे लोगों ने। 2001 से लेकर 2023 तक नरेंद्र मोदी जी सीधा जीता जागता उदाहरण है। उनके मुख्यमंत्री बनने से लेकर उनके प्रधानमंत्री बनने के 9 साल पूरे होने तक भी एक बड़ा वर्ग है जो एक तरफ चलने का काम करता है, लेकिन वो जितनी बार दुष्प्रचार में लगते हैं मोदी जी उतने ही मजबूत होकर उससे बाहर निकलते हैं। कोरोना काल की मीडिया रिपोर्टिंग का किया है जिक्र। केंद्रीय मंत्री ठाकुर जी ने कहा, दुनिया के बड़े बड़े अखबारों ने लिखा कोरोना का समय हम सबके सामने था। कईयों ने तो पुरानी तस्वीरें चलाकर अपनी दुकान भी चला ली। तैरती लाशों को या गंगा किनारे लाशों को दिखाया गया जो सत्य से परे था, लेकिन बहुत बड़े मीडिया के वर्ग ने भी उसकी सत्यता में जाने की बजाय उसकी पुष्टि करने की बजाय उन्होंने भी चलाया। इससे छवि किसी व्यक्ति की नहीं, इससे छवि भारत की खराब होती है। ये एजेंडा और प्रोपेगेंडा देश के बाहर से तो चलता ही था। देश के बहुत सारे नेताओं ने भी इसमें अपने हाथ साफ करने का काम किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अपने आधार को पैन से जोड़े, सरकार ने बढ़ाई डेडलाइन, जाने आसान स्टेप्स। सरकार की तरफ से कई तरह के प्रमाण पत्र जनता को मुहैया कराए गए हैं। इसमें से आधार कार्ड और पैन कार्ड काफी जरूरी दस्तावेजों के रूप में जाने जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि इन दोनों दस्तावेजों को आपस में लिंक करवाना सरकार की तरफ से अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप इन दोनों को आपस में लिंक नहीं करते हैं तो आपके कई तरह के कामों में रुकावट आ सकती है। सरकार ने पहले आधार और पैन को लिंक करने के लिए 31 मार्च की डेडलाइन तय की थी, लेकिन अब सरकार ने इसकी डेडलाइन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। ऐसे में अगर आपने 31 मार्च 2023 तक इन दोनों को लिंक नहीं करवाया है तो घबराने की बात नहीं है। बढ़ाई गई है डेडलाइन। अगर आपने भी 31 मार्च को अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की कोशिश की थी लेकिन वेबसाइट पर परेशानी है की वजह से ऐसा नहीं कर सके थे, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इस परेशानी से निपटने के लिए आधार और पैन को लिंक करने की डेडलाइन 30 जून 2023 तक की बढ़ाई दी गई है। अगर आपने डेडलाइन से पहले इन दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड 1 जुलाई से बेकार या फिर निष्क्रिय हो जाएगा। अगर आप घर बैठे इन दोनों को लोग करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा। चलिए इन स्टेप्स के बारे में जानते हैं। पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.government.in पर जाना होगा। यहाँ आपको अपने लॉगिन डिटेल्स दर्ज कराने होंगे। इसके बाद क्विक सेक्शन पर जाना होगा और वहां अपना पैन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
इसके बाद वैलिडेट माई आधार डिटेल्स के ऑप्शन को चुन लेगा होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे यहाँ सबमिट कर देना होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस मैदान पर वर्ल्ड कप में होगा भारत और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला। जानिए पूरे डिटेल्स। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला माना जाता है। हालांकि वर्ल्ड कप से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैचों को लेकर हर दिन अलग अलग अपडेट सामने आ रहे हैं। वर्ल्ड कप से पहले होने वाले एशिया कप 2023 को लेकर अभी तक दोनों मुल्कों के बीच की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि एशिया कप के मुकाबले आखिर कहां खेले जाएंगे। इन्हीं खबरों के बीच अब भारत पाक वर्ल्ड कप मुकाबले से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल अब बताया जा रहा है कि दोनों मुल्कों के बीच विश्व कप के मैच दिल्ली या चेन्नई में आयोजित किए जा सकते हैं। दिल्ली या चेन्नई में खेला जा सकता है भारत पाक मैच। एशिया कप 2023 को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तनातनी का माहौल है। हालांकि इन विवादों के बीच वर्ल्ड कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। क्रिक बज के रिपोर्ट के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में या चेन्नई के चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला खेला जा सकता है। हालांकि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा मुकाबला माना जाता है। फैंस इस मुकाबले को देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। वही इस मैच में दुनिया का हर स्टेडियम खचाखच भरा रहता है। ऐसे में वर्ल्ड कप से पहले माना जा रहा है कि इस मुकाबले को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी जी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर कराया जा सकता है। पाकिस्तान से छीन सकती है एशिया कप की मेजबानी। पीटीए के अनुसार एशिया कप 2023 का आयोजन अब पाकिस्तान में नहीं किया जाएगा। माना जा रहा है कि अब इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यूए में कराया जा सकता है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि भारत के पाकिस्तान जाने से मना करने के बाद यह तकरीबन तय माना जा रहा है कि इसका आयोजन अब पाकिस्तान में नहीं होगा। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए मेरे न्यूज़ नेटवर्क।